द जलियांवाला बाग मैसेकर और द अमृतसर मैसेकर ऑफ 13 अप्रैल 1919 अकाउंट्स फॉर द ग्रूशम एग्जीक्यूशन ऑफ हंड्रेड ऑफ इनोसेंट पीपल बाय द गुरखा ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑन द ऑर्डर ऑफ द देन एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर आर ई एच डायर। तो इस ब्लॉग की शुरुआत जो है, हम बस बाहर अभी रिक्शा लिया और जलियांवाला बाग जा रहे हैं, और यहाँ पे जो रिक्शे का चार्ज है वो पर हेड 20 रुपीज़ का है, और ये क्या ही बताना यार। और अभी जलियांवाला बाग पूरा एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, हिस्टोरिक चीज़ें क्या क्या है वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस ब्लॉग पे बने रहना, और चैनल पे जो भी ना हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर से जरूर कर ले। हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर एक बार फॉलो करिए। तो हम लोग को बस अभी रास्ते में उतार दिया था, तो क्योंकि आगे ट्रैफिक है और आगे गाड़ियां जा भी नहीं सकती हैं, तो वो जो आप वहां पे आप ये गेट देख रहे हैं तो जस्ट इसी के पास ही जलियांवाला बाग का गेट है। तो ये जो आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग का फ्रंट गेट है, और यहां से अभी हम अंदर की ओर जाने वाले हैं। तो ये जो आप व्यू देख रहे हो ये जलियांवाला बाग का, जस्ट अंदर हम एंट्री हो रही है। तो यहाँ हम बहुत पहले आए थे, तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, रेनोवेट हो गया है। अभी जस्ट हम जलियांवाला बाग के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे पीछे हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। पीछे जस्ट मेरे देख रहे हैं तो ये गार्डन टाइप का दिख रहा है, तो अभी इसके अंदर हम चल रहे हैं। ये कुछ मुझे अच्छा सा दिख रहा है, ये स्टोन रखा हुआ है और ये यहाँ इस पर कुछ पानी आ रहा है, तो कुछ कहीं लिखा भी नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं अपने आप यहाँ से इसके ऊपर से पानी आ रहा है और ये नीचे गिर रहा है। हेलो बोलिए, हेलो, बाय 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 बोलिए, बाय, अभी कुछ नहीं बोलेगा। द जलियांवाला बाग मैसेकर और द अमृतसर मैसेकर ऑफ 13 अप्रैल 1919 अकाउंट्स फॉर द ग्रूशम एग्जीक्यूशन ऑफ हंड्रेड ऑफ इनोसेंट पीपल बाय द गुरखा ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑन द ऑर्डर ऑफ द देन एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर आर ई एच। दीज पीपल वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द रॉयलिस्ट एक्ट 1919। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इट गेव द गवर्नमेंट इनॉमरस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। On 9th April 1919, the two nationalist leaders Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal were arrested by the British official without any provocation. This caused resentment among the Indian protesters who came out in thousands on 10th April to show their solidarity with their leaders. To curb any future protests, the government put martial law in place and law and order in Punjab was handed over to Brigadier General Dyer. On 13 April, that is the day of incident, a large crowd of people, mostly from neighboring village, unaware of the prohibitory orders in Amritsar, gathered in Jallianwala Bagh. Brigadier General Dyer arrived on the scene with his men. The troops surrounded the gathering under orders of General Dyer and blocked the only exit point and opened fire on the unarmed crowd, killing more than thousands unarmed men, women, and children. Jallianwala Bagh became a key point in the history of India's struggle for independence, and it is now an important monument in the country. कुछ डायरेक्शंस दिखाने के लिए आपको बस एरोज लगे हुए हैं, तो उन्हीं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उन लोकेशन पे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शहीद स्मारक है। एक छोटी सी आर्ट गैलरी है जिसके अंदर सारी फोटोज़ लगी हुई हैं और कुछ एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी चलती है।
से निकलने के बाद हमने वहाँ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई किया, लस्सी ट्राई की, फिर उसके बाद हमने कुछ मार्केट में शॉपिंग करी। और अभी तक आपने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। हाई फाई फिर से करिए, हाई फाई ये। तो ये है कोकू की टी शर्ट और ये है मेरी टी शर्ट और ये है अमन भाई की टी शर्ट। तो ये हम लोग की शॉपिंग हो चुकी है। होटल में रुके हुए हैं वो है आर एस रेजिडेंसी, वो यहाँ का बहुत ही बढ़िया होटल है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है और जो यहाँ के रूम और जो फूड सर्विस थी, फूड क्वालिटी थी, वो बहुत ही बेस्ट थी। आर एस टावर है जी, हमारे होटल का नाम, हमारे पास थ्री कैटेगरीज है, डीलक्स, सुपर डीलक्स जी, और फैमिली रूम है, फैमिली स्वीट है।